तो ये देखो भाई, मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा था, एक लड़की ने बहन के मेरी गाड़ी पे, खड़ी गाड़ी पे मार दिया यार। देख रहे हो, नंबर प्लेट मोड़ दी बहन की। एक मिनट, एक तो 151 रुपये हो गए आपके। ये था हमारा आज का तीसरी राइड थी, पर राइड की जगह इन्होंने बुक किया मेरे पास, ये क्या बोलते हैं, मटन छोड़ने आना था भैया का। तो भाई इस ऑर्डर के मेरे को मिले हैं 142 रुपीज़ और टोटल अर्निंग हो गई है 228 रुपये की। भाई 4.5 किलोमीटर और रह गया बस, 21 किलोमीटर की राइड थी ये। मैं आपको बैग से पहचाना। अच्छा, देखिए वीडियो देखी, वीडियो देखी मैंने, पर मैं बैग से पहचाना। अच्छा, यही है ना, यही ना। हाँ, यही वाला। अब देखते हैं यहाँ से कोई राइड मिलती है तो। ओके, तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज है मंडे और नया वीक शुरू हो गया है भाई आज से। बाकी भाई कल की अर्निंग देख के मज़ा आ गया था, कोशिश ये रहेगी कि भाई आज भी ऐसी करें, पर आज क्या है ना, आज हम ज़्यादा अर्निंग नहीं करेंगे, बोले तो ज़्यादा टाइम नहीं करने वाले आज से हम। एक अपन फिक्स टाइम रखेंगे यार अपना, क्योंकि यार क्या है यार, ये बैंकर सुबह भी काम पर जाओ, रात को भी काम पर जाओ, दिन में जाके सो जाओ, ये वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए यार। इसमें क्या है, अपने आपके ऊपर टाइम नहीं दे पा रहा यार मैं। क्योंकि भाई देखो, सुबह निकल जा रहा मैं 7 बजे 8 बजे, फिर 12 1 बजे तक जो कर रहा हूँ, फिर उसके बाद घर जाके सो जा रहा हूँ, फिर शाम को फिर उठ के फिर दोबारा आ जा रहा हूँ। ये वाला टाइम ख़राब हो गया भाई। अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि भाई देखो सुबह 7 बजे भी, अगर मैं 8 बजे भी आता हूँ ना, सुबह 8 बजे से शाम के 4 या 5 बजे तक जितने का भी काम होता है ना हमारा, जय भोलेनाथ भाई, उतना करेंगे हम। उसके बाद फालतू एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना यार इनको, क्योंकि यार मैंने देख लिया यार, एक्स्ट्रा टाइम दे के ना अपना ही नुकसान है यार। देखो 100-200 रुपये कमा तो लोगे पर आपका शरीर ख़राब हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं। मेरे को पता है भाई, कल मैंने 1100 रुपये कमाया तो है, पर मेरे को पता है कि भाई कैसे पागल हुआ मैं, रात को 11 बजे 11:30 बजे घर पहुँचा मैं रात को। अब बताओ यार, ये कोई टाइमिंग है क्या भयंकर, रात को 11:30 बजे घर पहुँचा, तब मैंने खाना खाया, भाई टाइम शेड्यूल पूरा ख़राब हो जाएगा इससे। तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों को, अगर कोई भी इस टाइप की जॉब कर रहा है ना, तो भाई इतना टाइम मत दो कंपनी को, अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान दो। भाई मैं अपना वही करूँगा, सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक, भले चाहे मेरी 500 रुपये की दिहाड़ी निकल जाए ना, बस मेरे को इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और चलो, अभी मैंने ऑन नहीं करा रैपिडो, क्योंकि मेरे को डलाना है तेल, और तेल डलाने के बाद तब करेंगे रैपिडो ऑन। 250 डालना भैया। हो गया, चलो भाई हमने मोहिनी में डाला लिया है भाई 250 रुपये का तेल। अभी देखते हैं कितनी देर तक चलेगी हमारी मोहिनी, चलेगी क्या, पूरे दिन भर चलेगी यार 250 रुपये के तेल में तो ये। तो भाई अभी यहाँ पे बैठ के रैपिडो ऑन कर देते हैं हम, मेरा गोप्रो भी चार्ज नहीं है, गोप्रो को भी चार्ज लगाना है। देखते हैं भाई कितनी की हमारी अर्निंग होगी आज की, कोशिश रहेगी कि भाई अपनी दिहाड़ी निकल जाए 500 रुपये की, ज़्यादा अर्निंग नहीं करनी भाई, शरीर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यार गाइज एक वो मिस हो गई मेरे से यार, मैं एयरटेल चला रहा हूँ, मेरा ये जो रैपिडो ऐप है ये एयरटेल से चलता है, मैंने जियो ऑन कर रखा था और कॉलिंग पे था मैं, और वो मिस हो गई राइड बैंकर की। चलो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है भाई, बढ़िया राइड थी यार 56 रुपये की यार। चलो भाई हमारी पहली राइड आ चुकी है हमारे पास, तो कहाँ से उठाना है इसको, ये तो अपनी गली से उठाना है भाई इसको। राजीव नगर से उठाना है कहीं से। तो लो भाई लोकेशन पे तो पहुंच गए हम भाई की, भाई तो मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ कहीं। हेलो, हाँ जी भैया, राइड बुक करी थी आपने? हाँ जी भैया, कहाँ पे? ये मंदिर के सामने जो गली जा रही है 3167। ठीक है भैया, बैठो। है अच्छा, तो लो जी गाइस, हो गया भाई पहला ऑर्डर हमारा कंप्लीट, हो गई पेमेंट, इसके मेरे को मिले हैं भाई 32 रुपये। तो ठीक है, मैंने बोला यार छोटा। तो यार गाइस
सीन कुछ ऐसा हो रहा है भाई, राइड बज रही है और तुरंत गायब हो जा रही है। जो बड़ी राइड बज रही है ना 80 रुपये की 90 रुपये की, वो तुरंत गायब हो जा रही है भाई। दिमाग ख़राब हो रहा है भयंकर की। 3 राइडें बजी मेरे पे, 1 80 रुपये की और हाँ 2 राइडें बजी थी भाई, 1 80 की 1 90 की भाई। मैंने एक्सेप्ट किया, तुरंत गायब। मतलब इतने खाली हो रखे हैं आज बंदे, क्या सोमवार को भी काम नहीं है क्या? तो लो जी गाइस, मेरे पे 2nd राइड आ चुकी है। ये होने वाली है हमारी 45 से 50 रुपये तक की, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। मैंने बोला भाई राइडें नहीं बज रही तो क्या कर सकते हैं यार, उठा ही लेते हैं अब। तो चलो इसे पिकअप करने चलते हैं फटाफट। ओह तो भाई राइड की लोकेशन पे तो अपन पहुंच चुके हैं। अभी ऊबर को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बसता ही रहेगा फिर रास्ते में चलते चलते। ये हो आपका 56। तो ये 60 कार दो है, मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ, मेरे पास कैश नहीं है। हेलो हो गया भैया। ओके चलो गाइस। भाई अरे यार, सबके फ़ोन एक ही साथ आते हैं क्या, भयंकर हैं। चलो भाई, और राइड मैंने डिलीवर राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया है। अभी देखते हैं यहाँ से कोई राइड बच जाए ना रायपुर से, बड़ी राइड से भाई मज़ा आ जाएगा। तो भाई 86 रुपये की अर्निंग हो गई हमारी। देखो छोटा छोटा करके 2 ऑर्डर मारे, हो गई ना 86। अब मैं बड़े की तलाश में रहता था साला, ये भी ना होता। तो चलो, तो लो गाइस मैं बस आ ही रहा था, इतने में मेरे पास एक राइड बच गई है। कॉल कर लेता हूँ यार इनको सीधा। अभी पता नहीं, मैंने देखा नहीं कहाँ जाना है, बस एक्सेप्ट कर लिया है। तो भाई किसी बंदे को तो नहीं लेके जाना, लेके जाना है मेरे को यहाँ से बकरा मटन लेके जाना है, मटन। अभी बताओ यार, मटन लेके जा रहा हूँ भाई यहाँ से मैं। तो अभी ये काट रहे हैं उसको लेके जाना है। रुको फ़ोन आ गया मेरे पास। हेलो। तो लो जी भाई, उठा लिया है मैंने मटन इनका, अभी लेके चलते हैं इसको फटाफट डिलीवर मारने। गाड़ी कहाँ लगा दी इन्होंने मेरे आगे। तो यार गाइस, लोकेशन पे तो मैं पहुँच गया हूँ भाई, पर ऐसा क्यों दिख रहा है कि मैं गलत आ गया? नहीं नहीं सही हूँ, सही हूँ, सही हूँ, एकदम करेक्ट भाई। अंकल जी ऑर्डर है एक स्विगी से, गार्डन व्यू अपार्टमेंट, यही है ना? और कर ले। एक मिनट देखते। ठीक है भैया, थैंक यू। चलो भाई, भाई ये था हमारा आज का तीसरी राइड थी, पर राइड की जगह इन्होंने बुक किया मेरे पास ये क्या बोलते हैं मटन छोड़ने आना था भैया का। तो भाई इस ऑर्डर के मेरे को मिले हैं 142 रुपीज़ और टोटल अर्निंग हो गई है 228 रुपये की। तो बढ़िया है, ऊबर ऑन कर देते हैं यहाँ से, किसी में तो बजेगा साला। हाँ तो भाई अभी सीन हुआ था कुछ, मैं खड़ा था ट्रैफिक सिग्नल पर, ठीक है, पीछे से एक लड़की आई स्कूटी वाली, भाई उसने सीधा मेरी नंबर प्लेट पर मार दी अपनी स्कूटी। और जब मैंने उसे देखा ना भाई, उसकी फट गई, उसने बोला कि गलत गाड़ी पे मार दी भयंकर, या तो ब्लॉगर निकला, ब्लॉगर की गाड़ी पे मार दी मैंने भाई, उसकी फट गई ऐसी। उसने बोला भैया कुछ नहीं हुआ गाड़ी में। मैंने भाई पीछे मुड़ के देखा, कुछ हुआ नहीं था, बस नंबर प्लेट मुड़ी थी हल्की सी। मैंने चल कुछ नहीं यार, भयंकर उसके गले में आ गई थी भयंकर, बोली थी अब तो भाई हो गया काम, ब्लॉगर की गाड़ी में मार दी भयंकर, अब ये वायरल कर देगा मेरी वीडियो। और एक्चुअली उस टाइम पे मेरा कैमरा ही ऑन नहीं था भाई। तो भाई ये लड़कियों से भाई सावधान रहो, इनसे पता नहीं क्या है, गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, सीधा भयंकर ठोक देती हैं यार। भाई राइडें तो बज नहीं रही थी, वहाँ से मैं खाली आया भयंकर, तो एक ऑर्डर बजा मेरे पास फूड का 44 रुपये का। मैंने बोला चलो यार इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत तो होगा कमाई भाई, पर इसमें टाइम लगेगा भी। चलो भाई ऑर्डर तो भाई पिकअप कर लिया है मैंने, अभी रेडी नहीं किया अंकल ने।
देखते हैं कितना टाइम बात करेंगे। ओके ओके दो तो लो भाई 44 रुपये का ये ऑर्डर बजा था मेरे पास और इसके मेरे को मिले हैं 56 रुपये, तो टोटल अर्निंग हो गई है हमारी 3 घंटे में 285 रुपये। ठीक है, बुरा नहीं है भाई, 3 घंटे के हिसाब से ठीक ही है। मैं तो बोल रहा भाई 4 क्या बोला आपने 9016 ना। ठीक है, तो लो भाई ऑर्डर तो मैंने, तो लो जी भाई पहुँच तो गए अपन लोकेशन पे, यहाँ से अंदर जाना है और एक राइड भी बज रही मेरे पे ऊबर पे। आपका ऑर्डर है? थैंक यू। ओके भैया, अरे भाई चैन खराब हो गई है बैग की मेरे। तो भाई आई थिंक ये था मेरा चौथा, नहीं पांचवा ऑर्डर था शायद मेरा, ये देख के बताता हूँ अभी। और भाई इसके मेरे को मिले हैं कितने रुपए? भाई इसके मेरे को मिले हैं 47 रुपये, टोटल हो गई है अर्निंग 333 रुपये 333। और भाई यहीं से एक राइड बज गई है मेरी धर्मपुर की, चलो इसे फटाफट पिकअप करते हैं। हाँ जी भैया, OTP बता दो। OTP बताना। अच्छा लिल्ली, लिल्ली इसका नाम है। ये हो गया आपका 62 रुपये। खुले तो नहीं होंगे भैया मेरे पास है। ठीक है भैया, थैंक यू। तो लो जी गाइस, ये थी हमारी 7वीं राइड, मतलब 7वां ऑर्डर था हमारा ये। भाई से मिला के हमारा 390 रुपये का काम हो गया है। तो लो जी गाइस, मेरे पे रैपिडो में तो कोई बड़ी राइड नहीं आ रही थी, तो भाई ऊबर में आ गई है मेरे पास 77 रुपये की राइड। इसे रिस्पना के पास से उठाना है और वहाँ छोड़ना, क्या बोलते हैं आपका कोलागढ़ की साइड। तो सही है, बुरा नहीं है भाई, इस टाइम पर तो बस काम पेल लो जितना हो सके, क्योंकि भाई आराम करना है ना, फिर शाम को घर जाके, शाम को नहीं आएंगे हम दोबारा। तो चलो ऐसे भैया को पिक। आपने बुक कर दी राइड? OTP बताना भैया। 3626। ठीक है भैया, बैठो। तो लो भाई, हमारी आज की पहली उबर की राइड भी मैंने मार दी है डिलीवर। बाकी भाई लास्ट उबर मोटो ट्रिप हो गया है, इसमें मेरे को 72 रुपये मिले हैं, बाकी 76 रुपये भैया ने मेरे को कर दिए थे, तो चलो बढ़िया है। तो भैया अभी मेरी अर्निंग हो रखी है रैपिडो को मिला के और इसको मिला के टोटल कर देते हैं भाई, 390 रुपये का इसमें हो रखा है और 72 रुपये का उसमें हो रखा है। तो गाइज भाई, धूप तो थोड़ी सी कम हो गई है, भगवान ने ये बोल दिया कि बेटा तो काम कर ले आराम से, अभी मैं धूप थोड़ी हल्की कर देता हूँ। तो भाई अभी मेरे पास एक राइड बची है ऊबर में 219 रुपये की, और भाई इसको यहाँ से उठाना है और प्रेमनगर से आगे छोड़ने जाना है उसको। तो मैंने बोला भैया आ रहा हूँ मैं पिकअप करने बस आपको, चलो भाई इसको फटाफट पिकअप करते हैं। भाई एक तो ना ट्रैफिक में तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा था। ओहो भाई, 4.5 किलोमीटर और रह गया बस, 21 किलोमीटर की राइड थी ये। ओहो कितना हो गया आपका वैसे? डन नहीं हो गया, देखता हूँ अभी। दो सौ छब्बीस। ठीक, ओके भैया। हाँ जी भैया, मैं आपको देखा था पर मैंने सर्च किया नहीं। अच्छा, सर्च करने से क्या? ब्लॉगर एक्स। ब्लॉगर एक्स, मैं आपके बैग से पहचाना।
अच्छा देखी वीडियो? देखी वीडियो देखी है मैंने, पर मैं बैग से पहचाना। अच्छा यही है ना? यही ना? हाँ यही वाला। थैंक यू। ओके भैया। तो लो भाई रैपिडो भी ऑन कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ से कोई राइड मिलती है तो। ओहो तो भाई देखो 390 रुपये का काम मेरा इसमें हो गया है रैपिडो में, और भाई ऊबर में हो गया है 287 रुपये का काम। तो टोटल अर्निंग इन्हें जोड़ के देखता हूँ मैं कितनी होती है मेरी। क्या मेरा काम हो गया इसमें 390 प्लस 287, तो भाई टोटल अर्निंग हो गई है मेरी 677 रुपये, 677 रुपये। तो अभी देखते हैं यार कोई राइड बच जाए यहाँ से घर की साइड की, तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना भाई क्या करें, भगानी पड़ेगी ऐसी गाड़ी नॉर्मली। तो चलो वेट करो। चलो जी भाई एक ऑर्डर बच गया मेरे फूड का भाई, सहलो कोई से मैं बल्लूपुर खाली हाथ आया हूँ, ये देख लो आप। अब बल्लूपुर पे जाके मेरे पास एक फूड का ऑर्डर बचता है बिरयानी भाई किलो से, हर्रा वाला लेके जाना है इसे। चलो भाई से फटाफट पिकअप करते हैं। तो भाई 3 बजे से पहले का ऑर्डर बजा हुआ मेरे पास, और अभी टाइम देखो 3:30 बज गए भाई। कल भी इसी रेस्टोरेंट ने मेरा टाइम ख़राब करा था, और आज भी इसी रेस्टोरेंट ने टाइम ख़राब कर दिया। यार मूड ख़राब कर दिया भाई साहब। चलो भाई ऑर्डर मेरे को मिल गया है भाई, पूरा आधा घंटा ख़राब करने के बाद, पर मेरे को दुख नहीं है। दुख पता हो क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये जो ऑर्डर है ना भाई, ये ऑर्डर है मेरे एरिया की साइड का, और मैं था आउट ऑफ एरिया में, इस वजह से मेरे को दुख नहीं है। और मेरे को 4 बजे घर भी जाना था अपने भाई। हमने दिए हैं पूरे, बताऊंगा आपको कितने घंटे मैंने काम किया है, कितने का मेरा काम हुआ है, इस ऑर्डर के बाद सब पता लगेगा आपको। ओके भैया। हाँ तो गाइस भाई ऑर्डर तो मैंने मार दिया डिलीवर, अभी बैठ के आराम से आपको बता देता हूँ कि भाई मैंने कितने का काम किया और कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, सब दिखाऊंगा आपको। ओए होए मेरा मीटर भी गंदा हो गया यार। तो भाई देखो मैंने गाड़ी चलाई है आज, दिख रहा है आपको 118 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, और ट्रिप स्टार्ट कर रखी थी मैंने तो 118 किलोमीटर भाई गाड़ी चल गई है। बाकी भाई देखो रैपिडो में काम हुआ है मेरा 520 रुपये का, और भाई ऊबर में काम हुआ है मेरा खुल जा यार 287 रुपये का। तो भाई इस दोनों को टोटल करने के बाद मेरा काम होता है 800 रुपये का, और भाई मैंने घंटे दिए हैं, सुबह 8 बजे आया था मैं, 8 बजे से 4 बज रहे हैं देखो, प्रॉपर 4 बज चुके हैं, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक लगा लो भाई, 8 घंटे में 800 रुपये का काम हो गया है रैपिडो में। अभी भाई मैं घर जा रहा हूँ, और अब मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि भाई देखो एक वो होती है क्या बोलते हैं अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है यार। क्या है ना भयंकर की इस चीज़ की वजह से ना मैं अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने ऊपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ भाई। क्या हो रहा है देखो मैं बताता हूँ, सुबह आ रहा हूँ मैं 8 बजे 7 बजे जितने बजे भी आ जाता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ भाई 12 बजे तक काम किया या 1 बजे तक काम किया, फिर भाई मैं घर चला जाता हूँ, फिर खाना खुना खाने के बाद मैं सो जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर आ जाता हूँ शाम को 6 बजे ड्यूटी या 7 बजे, फिर मैं घर जाता हूँ फिर सो जाता हूँ। तो भाई ये दो काम कर रहा हूँ बस मैं पूरे दिन भर, या तो काम कर रहा हूँ या तो सो रहा हूँ, या तो काम कर रहा हूँ या तो सो रहा हूँ। तो यार ऐसी लाइफ नहीं चाहिए भाई। देखो 800 रुपये का काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया है भाई, 120 किलोमीटर गाड़ी चल गई है मेरी। तो अब लगा लो भाई कितने का तेल लगा होगा, 60 का माइलेज दे रही है भाई, 200 रुपये का तेल प्रॉपर लग चुका है, 800 रुपये की कमाई हो गई है भाई, 600 रुपये की अपनी दिहाड़ी प्रॉपर हो गई है सेट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई, 600 रुपये की अपनी दिहाड़ी करो और घर चले जाओ भाई। देखो ज़्यादा समय देने के बाद ना बंदा यार अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देने का है। तो भाई देखो अभी तो सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी जवान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कट रही है ज़िंदगी जैसे कट रही है। तुम 12-12 घंटे काम कर लो, 14-14 घंटे काम कर लो, पर भाई आने वाले टाइम पे बहुत दुख होगा कि भाई मैंने उस टाइम पे इतना काम किया और बचाया कुछ नहीं। क्योंकि भाई ये जो कंपनियां है ना इसमें पैसा बचाना बहुत मुश्किल है, आप काम कर लोगे पर पैसा
मुश्किल से ही बच पाता है इसमें। मैंने भी भाई करके देख लिया अपना ब्लिंक किट वगैरह, बाकी यार मेरी चैन सुखी चल रही है, आवाज़ आ रही है इसमें से, पैसा बचा नहीं है मेरा उनमें काम करने के बाद। तो भाई यही था हमारा काम आज का, 600 रुपये की दिहाड़ी कर ली हमने सेट। 4 बजे अपन जा रहे हैं घर, अब पूरे दिन आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वीडियो वगैरह एडिट करेंगे, टाइम से सो जाएंगे और टाइम से खाना खाएंगे। तो ठीक है गाइस, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना, बाकी मिलते हैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में। ओके गाइस, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।